तो हे वाटरमैन भैया, आज के ब्लॉग स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने रूम से। और बस यार, और इसमें मतलब हो कुछ ऐसा राशि। अच्छा तुम्हारा भी है? अरे गंदी लग रही हूँ। अच्छा तो सुनो, रुको यार, गंदी हो तो गंदी लगोगी। क्या बोला तूने? आज हम लोग बता रहे हैं कि आज हम लोग के साथ क्या होने वाला है। और सारा इल्जाम हम पे थोपा गया। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक कैमरे दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि अभी रूम में डिस्कशन चल रहा था कौन किसका ब्रश है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रूम में रहने वाले 6 लोग, ब्रश लगभग 7-8। और इसमें मतलब क्या होता था, जब सुबह हम लोग सो के उठते थे, सबका ब्रश गीला रहता था। अब पता नहीं चलता था कि साला गीला कैसे है, मतलब सुबह हम लोग उठ रहे हैं, सुबह का किए नेक्स्ट अगले दिन उठते हैं, गीला रहता था। हम लोग को शक लगता था कि कहीं मेरा ब्रश नहीं करता है, क्योंकि ये सबका अंडरवियर से लगा, मतलब सब कुछ यूज कर लेता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लड़कियों वाला आइटम भी यूज कर लेते हैं ये। पर्सनली सूफी का बोल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा आपको होगा नहीं, वो भावना का ही था। अच्छा ये नहीं, तो अब देखो, अब इसमें डिसाइड हुआ कि कौन किसका ब्रश है। तो मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरा ब्रश है। सब लोग देख लो कैमरे के सामने, ये मेरा है। इसका मुंह बदबू करता है तो एक से कान में चलता है, इसलिए दो करती है। बड़ा हरामी हो बेटा, कभी ये गीला रहता, कभी ये गीला रहता, जब ये गीला रहता था इससे करती, ये गीला रहता था इससे। उसके बाद गीला क्यों रहता है? उसके बाद हरिंदर भैया करते हैं। अभी डिसाइड हुआ इस रूम का सबसे बेस्ट ब्रश अगर कहा जाए, बेस्ट ब्रश का अवार्ड जाता है तो इससे, जिससे मतलब ब्लर हो जा रहा है। इसमें फोकस कर, मैं दिखाऊंगा। ये ब्रश है गाइस, ये दोनों ही ब्रश अर्जुन भैया के, जैसे कि देख सकते हैं ये पुराना वाला है, ये भी यहीं से अभी तक टेढ़ा है, वही साइड में वही जगह पे, और इसका भी यही हाल है। अभी इस ब्रश की क्वालिटीज में बता, इस ब्रश के बारे में बता दें कि जैसे जूता उतार साफ करना है तो ये भी हो जाएगा। कुकर का ढक्कन हो जाएगा, वह कढ़ाई वगैरह में कुछ लगा तो वह भी साफ हो जाएगा, मतलब नाक भी साफ हो जाएगा। और बेनिफिट है जैसे तुम अपने बाल में डाई पेंट वगैरह करते हो, नीला पीला लाइटिंग कलर का सब कुछ है। अच्छा इससे करते हो, अगर वो घर पे वो नहीं है ना, उस चीज कर देते हैं, पेंट भी हो सकता है ऐसे। तो सच में, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी जब सुबह आप लोग उठते हो तो आपका ब्रश गीला रहता है, क्योंकि हम लोग को भी डाउट लगा कि मेरा ब्रश कोई और करता है, इसका ब्रश कोई और करता है। जैसे कि सोने के बाद मम्मा कहती है ना बच्चे से, क्या तुम्हारा डायपर गीला है? वही वाला हाल है। क्या आपका ब्रश गीला है? अगर आपका ब्रश गीला है तो मतलब आप हमारे कैटेगरी में आते हैं। नमक है? क्या आपके ब्रश में पानी है? तो चेक करिए, कहीं वो हरिंदर ने तो नहीं किया। सुबह मेरा ब्रश करती थी, सुबह मेरा ब्रश करती थी, दोनों का सेम था ना, सेम कलर है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मतलब पहली बार होगा कि किस टॉपिक बात कर रहे हैं हम लोग ब्लॉग में, मतलब ऐसे नीच नीच टॉपिक में यहाँ ब्लॉग आने वाला है। बात देखो गाइस, जहाँ लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे होती है, ऊपर पर सब किनारवा कोने कोने का नहीं होता, यहीं से कर दिया जाए। चलो तो कल तुम इस ब्रश से कर लेना, कल लाइटिंग साफ करने में सुविधा। सुनो, दांत लगा लो कि तुमको पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, यूज़ कर चुके हैं पहले। अब उससे सुनो, तुम्हारा दांत चमक जाएगा पूरा, देखो मेरा चमक रहा है।